नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे उसके लिए बहुत से लोग ललायक रहते हैं। मान सम्मान रुतबा ये सबको चाहिए और इसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, जिंदगी निकल जाती है। डिग्रियों पे डिपेंड करते हैं हम, किसी को डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, किसी को भारत रत्न चाहिए, किसी को गोल्ड मेडल चाहिए, किसी को सिल्वर मेडल चाहिए, किसी को खेल में ट्रॉफी चाहिए। हमारे देश में इतने फील्ड हैं जिसमें हम आगे बढ़ने के लिए सालों साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर हम उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें कुछ नाम कमाने का मौका मिलता है। लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जिनकी कोई एजुकेशन नहीं होती है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है, फिर भी वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। होता है कभी ऐसा, तो मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक दंपति, हस्बैंड वाइफ जो है, दोनों डॉक्टर थे। दोनों दंपत्ति की लाइफ जो थी वो बहुत बिजी थी, दोनों ही अपने काम से छुट्टी नहीं ले पाते थे, लेकिन उनको जब भी कोई 2 या 3 दिन की छुट्टी मिलती थी तो वो कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी तो उनके पास छुट्टी का टाइम जो है वो बिताने के लिए ये था कि चलो कहीं हम बाहर घूम आते हैं। तो ऐसे ही उन दंपत्ति ने एक बार प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम इंदौर घूम के आए। तो उन्होंने अपनी पर्सनल कार ली और उसके लिए ना चल पड़े अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए। दोनों ही बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, दोनों ही अब जा रहे हैं। उनका एक ये था कि हमारा 8 घंटे या 10 घंटे का सफर है तो हमने इतनी बार जो है स्टे करना है। तो उनका प्रोग्राम ये था कि हम 4 बजे तक जो है इस जगह पर पहुंच जाएंगे, पर्टिकुलर इस जगह पर पहुंच जाएंगे, वहां जाकर हम लंच करेंगे। तो क्या हुआ कि रास्ते में थोड़ा सा मौसम खराब हो गया तो उनको रुकना पड़ा, काफी बारिश कीचड़ ये वो, तो उनको बहुत भूख लगी थी लेकिन कहीं रुक नहीं सकते थे। तो जहाँ वो रुके हुए थे उन्होंने देखा कि वो बहुत ही छोटी सी बस्ती है जहाँ बहुत पुअर क्लास के लोग रहते हैं। उनको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी कि हम यहाँ रुकें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, लेकिन भूख लग रही थी और ठंड भी लग रही थी। तो उन्होंने देखा कि सामने एक छोटी सी दुकान है और उसके ऊपर चिप्स के जैसे पैकेट पड़े हुए हैं। तो उन्होंने सोचा अगर चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं तो जरूर यहाँ पर जो है चाय भी मिलती होगी। तो गाड़ी में ही दंपति जो है वहाँ पहुँच गए। उन्होंने 2-3 बार वहाँ जाके आवाज़ लगाई तो इतने में एक लेडी जो है वो बाहर निकली। तो उन्होंने पूछा हाँ जी, तो बोले जी फटाफट ऐसा करो 2 कप चाय बना दो और ये 2 चिप्स के पैकेट हमें दे। तो उस लेडी ने 2 चिप्स के पैकेट उन दोनों हस्बैंड वाइफ के हाथ में दे दिए और बोली कि चाय मैं अभी बना के लाती हूँ। उसके बाद जो लेडी है वो अंदर चली गई। काफ़ी देर हो गई लेडी बाहर नहीं आई, तो डॉक्टर साहब ने बाहर निकल के फिर से उनको आवाज़ लगाई कि चाय अभी तक तैयार हुई क्यों नहीं। तो बोले अभी थोड़ी देर लगेगी, अभी बन जाती है। थोड़ी देर में वो चाय के 2 प्यालियाँ लेके आ गई। अब चाय की प्यालियों की जो हालत थी उसको देख के उनका मन नहीं कर रहा था कि हम इसमें चाय पिएं, लेकिन मजबूरी थी, उनको ठंड भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। तो किसी तरह से उन्होंने हाथ में चाय के प्याले लिए और लेकिन हाथ में लेते ही चाय में जो अदरक और तुलसी की खुशबू आई उससे उनका ध्यान जो है उस प्यालियों की गंदगी की तरफ से हट गया और उन्होंने जब चाय पी तो चाय बहुत ही स्वाद थी। तो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को देखा और बोला कि चाय तो बहुत स्वाद बनी हुई है। चाय पीने के बाद उन्होंने कहा कि कितने पैसे है, बोले 20 रुपये। तो उन्होंने कहा कि हमने चिप्स के भी पैकेट लिए हैं। तो उस लेडी ने कहा कि मैंने आपको चिप्स के पैकेट के ही पैसे लगाए हैं, चाय के पैसे नहीं लगाए। तो बोले ऐसा क्यों, तो बोले कि हम यहाँ पर चाय नहीं बेचते हैं, सिर्फ चिप्स बेचते हैं, क्योंकि आप हमारे यहाँ मेहमान थे और आप बारिश में या मौसम के खराब होने की वजह से आप यहाँ फंसे हुए थे, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपकी हेल्प करें। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए कि एक अनपढ़ लेडी जो है कितनी शालीनता से बात कर रही है। तो बोले फिर तुम्हें चाय बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया,
तो बोले कि मेरे हस्बैंड बीमार थे और घर में दूध नहीं था। तो बोले फिर चाय कैसे बनी? बोली मेरे बच्चे के पीने के लिए जो दूध रखा हुआ था मैंने उसकी चाय बना दी। अब मेरे हस्बैंड जो है कल तक उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मार्केट से जाके वो दूध ले आएंगे, तो कल मैं अपने बच्चे को दूध पिला दूंगी, लेकिन आज मैं रात को उनको खाना खिला दूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, अगर आप कहो तो हम आपके हस्बैंड को देख सकते हैं। तो उसने कहा हाँ जी आप देख लो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर गए, उन्होंने देखा कि उसके हस्बैंड की तबीयत वाकई ख़राब थी। उन्होंने उसका मुआयना किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है अभी आते हैं, आप इंतज़ार करो। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपनी गाड़ी लेके बारिश में ही शहर गए, उस आदमी के लिए दवाइयों का अरेंजमेंट किया और घर के लिए उनके कुछ साग सब्जी खरीदी और बच्चे के लिए दूध का इंतजाम किया और उसके बाद वो उनके घर पहुंचे और रात को वो वहीं रुके। वो बोले कि जब तक आपका हस्बैंड ठीक नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो बोले कि साहब आपको आगे जाने में देरी हो रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हम तो छुट्टियाँ बिताने के लिए आए थे, तो इससे ज़्यादा अच्छा हमें मौका कहाँ मिलेगा कि हम थोड़ा सा मानवता की सेवा कर लें। और ये बात हमने तुमसे ही सीखी है कि जो लेडी अपने बच्चे के हिस्से का दूध जो है उसकी चाय बनाकर हमको पिला सकती है, तो क्या हम छुट्टियों का जो समय है क्या आपके हस्बैंड की तीमारदारी में नहीं बिता सकते? क्योंकि हम तो पेशे से भी डॉक्टर हैं, हमारा तो ये पेशा है। तुम्हारा पेशा ना होते हुए भी तुमने हमें चाय पिलाई। तो दो दिन में उसके हस्बैंड की जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो दंपति फिर से शहर गए, उन्होंने उनके घर के लिए राशन पानी का सामान लिया और बच्चे के लिए बहुत से खिलौने और थोड़े से कपड़े बच्चे के लिए और दूध के पैकेट दे के दोनों हस्बैंड वाइफ ने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस जो है अपने शहर लौट आए। और रास्ते भर वो चर्चा करते रहे कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हमें मास्टर डिग्री लेने में या डॉक्टरेट डिग्री लेने में इतनी मेहनत की, लेकिन हमने इंसानियत की डिग्री नहीं ली। और ये एक लेडी ने या इस फैमिली ने हमें एक इंसानियत का पाठ जो है बगैर स्कूल जाए हमें सिखा दिया। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उसके बाद उन्होंने अपने हॉस्पिटल में जाते ही ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो है दवाई की पर्ची तो जरूर बनेगी, लेकिन जो फीस है वो मैं तय करूँगा। उसके बाद डॉक्टर साहब और उनकी मिसिज ने ये एक रूटीन बना लिया कि हमने किसी भी पेशेंट से जो गरीब हैं, पैसे देने में असमर्थ है, उनसे हमने बिल्कुल फीस नहीं लेनी है, उनका मुफ्त में इलाज करना है, लेकिन जो दे सकते हैं उनसे हम पूरी फीस लेंगे। तो उन्होंने ये सब इंसानियत का पाठ किससे सीखा? एक गरीब फैमिली से, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई उन्होंने कहीं से कोई उपाधि प्राप्त नहीं की थी, कोई उनको मेडल नहीं मिला हुआ था, लेकिन उनके बिहेवियर की वजह से क्या हुआ कि इंसानियत का पाठ किसको सीखने को मिल गया? उस दंपति को। लोग बड़े बड़े मेडल प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी शील्ड्स प्राप्त करते हैं जो सिर्फ शोकेस में टंगी रहती हैं, लेकिन मानवता के लिए जो धर्म है उसको अपनाने के लिए आपको किसी शील्ड की जरूरत नहीं है, आपको अपने मन को सिर्फ बदलने की जरूरत है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ इसको कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है वीना कालरा किटी ब्यूटी पार्लर, तो उसको मैं पिछले 2 साल से चला रही हूँ। ब्यूटी से रिलेटेड उसमें काफ़ी टॉपिक जो है आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे दोनों चैनल्स पे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।